पार्ट 16 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 16 वीडियो में चैप्टर 4 के विभिन्न प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 7। यहाँ ए का इन्वर्स दिया है और बी का वैल्यू दिया है, हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। अच्छा, ए इंटू बी का जो इन्वर्स होगा वह बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के बराबर होता है, तो ए का इन्वर्स तो दिया ही है। अगर मैं बी का इन्वर्स निकाल लूँ और यहाँ गुना कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए पहले बी का इन्वर्स निकालते हैं। तो पहले बी का सारणिक मान निकाल लेते हैं, 1 2 -2 -1 3 0 जीरो माइनस टू वन, ए ना दिया है। चलिए अब इसको विस्तार करते हैं हम लोग सी वन के सापेक्ष। वन लेंगे, यह रहो यह कॉलम हटेगा, 3 0 -2 1 माइनस और यह माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, यह रहो और यह कॉलम हटेगा आपका, 2 -2 -2 1 यही ना आपका आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब क्या बचता है। वन अंदर क्या हो जाएगा आपका, 3 + 0 + 1 अंदर हो जाएगा 2 - 4, यहाँ आ जाएगा प्लस का 3 और यहाँ माइनस का 2, घटेगा 1 जो कि 0 के बराबर है। अब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, b11 यह रहो यह कॉलम, यहाँ पे देखो क्या आएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दूं क्या, 3 + 0 यानी 3 ही आएगा। b12 माइनस का होता है, यह रहो और यह कॉलम हटेगा, ये चारों बचेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, एक माइनस इसमें का और एक -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। समझ गए ना, यहाँ वाला माइनस में होता है और यह हटाए अंदर -1 आ जाएगा, तो ये +1 हो गया। b13 प्लस में होता है, यह रहो यह कॉलम हटेगा, ये चारों आपके बचेंगे, तो 2 आएगा। ठीक है, b21 माइनस में होता है, यह रहो यह कॉलम, ये आपका 2 और 2 में से यहाँ पे कितना घटाएंगे, 4 माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा प्लस का 2। b22 प्लस में होता है, यह रहो यह कॉलम हटेगा, तो 1 - 0 यानी कि 1 ही आ जाएगा। ठीक है, सिंपल 1 आ जाएगा, देख रहे हो ना आप, b22 लोगे ये इंटू करेगा 1 और यहाँ पे 0 आएगा, तो 1 ही ना आएगा। b23 माइनस का होता है, यह रहो यह कॉलम, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -0, तो -2 ही आएगा, तो ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा। b31 प्लस का होता है, यह रहो यह कॉलम, यहाँ घटेगा 0 और यहाँ -6 और एक बीच में का माइनस, तो +6 हो जाएगा। समझ रहे ना, 2 में 0 से हुआ 0 और यहाँ इसमें इंटू करेंगे -6 और एक बीच में का माइनस, तो +6 हो जाएगा। b32 यह माइनस में होता है, यह रहो और यह कॉलम गया, ये और ये बचेगा, तो आपका -2 आ जाएगा, तो आपका प्लस का 2 हो जाएगा। b33 पॉजिटिव होता है, यह रहो यह कॉलम जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू, हर एक के को फैक्टर को सजा लो यहाँ पे, 3 1 2 2 1 2, फिर आपके पास 6 2 5 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो 3 1 2 2 1 2 6 2 5 यही ना आएगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे b का इनवर्स निकालते हैं, तो वह क्या होगा, 1 by determinant of b इंटू में एडजॉइंट ऑफ b, तो 1 by determinant of b 1/1 और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ पे यह है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, तो ये 1/1 इंटू करेगा तो यही आ जाएगा आपके पास 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना है बी ए बी का इन्वर्स ना, तो क्या हो जाएगा, बी का इन्वर्स इंटू में ए का इन्वर्स, तो बी का इन्वर्स हमारे पास यहाँ पे ये रहा। चलिए तो बी का इन्वर्स यहाँ लिख लेते हैं, 3 2 6 1 1 2 2 2 5 और ए का इन्वर्स, तो ए का इन्वर्स हमारे पास क्वेश्चन में ही था ऊपर, यहाँ पर ये रहा ना, इसको लिख देते हैं। चलिए तो इसको वहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 - 1 - 15 - 6 - 5 - 2 2। चलिए अब यहाँ पे इंटू कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल आप इंटू करो पहले रॉ में पहले कॉलम से, तो 9 - 30 + 30 दूसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से, तो 3 - 15 + 10। ठीक है, अब देखिए तीसरे रॉ में फिर
पहले कॉलम से, तो आपका आ जाएगा 6 माइनस का 15 गुना 30 हो जाएगा और प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से करते हैं, तो माइनस का 3 प्लस का 12 और माइनस का 12, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो माइनस का 1 प्लस का 6 और माइनस का 4, तीसरे रो में फिर दूसरे कॉलम से, तो माइनस का 2 प्लस का 12 माइनस का 10। ठीक है, चलिए अब देखिए पहले रो में तीसरे कॉलम से यहाँ करते हैं, तो आपका आएगा 3 माइनस 10 प्लस 12, इन आ जाएगा 3 माइनस 10 प्लस 12। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा। ठीक है, दूसरे रो में तीसरे कॉलम से, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4, तीसरे रो में तीसरे कॉलम से, तो 2 माइनस 10 और प्लस का 10, यही ना आएगा। चलिए अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो हमारा ए बी का इनवर्स निकल आया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो ये कट जाएगा, माइनस का 3, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, यहाँ देखो 10 3 13 माइनस 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ देखो 0 आ जाएगा, और ये 10 10 कट गया, 2 आ जाएगा, यही ना हमें निकालना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर